हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का अपनी डीपी क्लास पर। मैं रितु अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही जिंदगी? एकदम बढ़िया, मजे में, पढ़ाई लिखाई धमाकेदार, बहुत बेहतरीन। तो हमने जैसा कि अपना पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में क्या किया था, देखा था हमने फ्रैक्शंस में चेंज करना, किसको टर्मेटिक मतलब डेसिमल्स को डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो में बेसिक दिख लिया था और हमने कुछ कहा भी था इसकी शॉर्टकट होती है, शॉर्टकट होता है एकदम छोटा वाला रास्ता होता है जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या आपने वो वाली वीडियो देखी है? क्योंकि बेसिक तो आना ही चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए कि डायरेक्ट शॉर्टकट, जब उसका मेन वो ही नहीं पता आपको बेसिक क्या है तो शॉर्टकट जाने की क्या करोगे। इसलिए बेसिक नहीं पता है तो एक बार जाके देखिएगा, फिर उसके बाद ये वीडियो देख लीजिए, नहीं तो पहले ये देख लीजिए, इसके बाद जरूर देख लीजिएगा, वो बेसिक क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम बस शॉर्टकट ही देखेंगे क्योंकि पूरा मैंने आपको उसका सब कुछ बता दिया था लास्ट वीडियो में, ठीक है ना। ज़्यादा लेंथी तो हम करेंगे नहीं, बस छोटी सी वीडियो है, जल्दी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो बनी रहिए लास्ट तक, ठीक है। लेकिन उससे पहले शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या सीखा था और क्या हमें करना है, ठीक। तो हमने देख लिया था कितने टाइप्स के डेसिमल्स होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसमें एक मतलब डेसिमल में उस नंबर में एक पर्टिकुलर डिजिट के बाद आंसर एंड हो जाता है, ठीक ना। और एक देखा था नॉन टर्मिनेटिंग में, दो टाइप्स के थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिसमें डेसिमल के बाद एक रिपीटेड पैटर्न फॉलो होता है। और एक देखा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसमें डेसिमल के बाद कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं होता है। तो उस टाइप की कैटेगरी को कहते हैं इरेशनल, एंड इन दोनों को कहते हैं टर्मिनेटिंग वाली को और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को कहते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो देखो समझियो, ठीक है, टर्मिनेटिंग वाले के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं, वो तो सिंपल हो जाएगा जल्दी से, पॉइंट आएंगे अपन में डेसिमल लगा मतलब थाउजेंड हंड्रेड उसके अकॉर्डिंग आप लगा के सॉल्व कर सकते हो। और इरेशनल तो होती नहीं है पेपर उनके फॉर्म में, बच के कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है ना। तो उनके लिए देख लीजिए, जैसे मैं लेता हूँ पहला एक 2.333, इसी से बताया था मैंने आपको, याद हो तो, ठीक है। अगर हमें इसको बेसिक से करना है तो हम देख चुके हैं कैसे करना है। अब आपको क्या करना है शॉर्टकट के लिए, सबसे पहले उसको अपन को बार के फॉर्म में लिखना है, बार के फॉर्म में समझ रहे हो ना, जो रिपीट रिपीट हो रहा है पैटर्न उस पर हमें बार लगा के लिखना है, इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है मेन वर्क, अच्छा देखिए जाइए, ठीक है। देखो सबसे पहले पूरा नंबर लिख दो आप नॉर्मल फॉर्म में 23, जिस पे बार है वो भी लिखना है, नहीं है वो भी लिखना है। तो टू और थ्री दो ही डिजिट हैं तो दोनों डिजिट लिख दें। माइनस करना है जिस पर बार नहीं है उसको, ठीक है। अभी और अच्छे से दो तीन एग्जाम्पल लेंगे ना, एकदम खूब भाल हो जाएगा। टू पे बार नहीं है, ठीक है। 23 पूरा नंबर, मतलब जो भी पूरा नंबर है उसको लिखो, माइनस करना है उस पर उस वैल्यू को, उस नंबर को जिस पे बार नहीं है। तो 2 पे बार नहीं, इस पर माइनस 2 अपॉन में एक की एक चीज़ क्या लिखना है, जितनी डिजिट्स पर बार है, जितनी डिजिट्स पर बार है उतने 9 लिख दीजिए, ठीक है। लिख दिया, अरे बोलो ना, अरे बोलो भैया, लिख दिया बस, जितनी डिजिट्स पर बार है। देखो एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले पूरा नंबर लिख दीजिए, माइनस करना है एक नंबर को जिस पर बार नहीं है। तो टू पे बार नहीं था तो टू आ गया है, और अपॉन में क्या लिखना है, डेसिमल के बाद आप नोटिस करिए कि कितनी डिजिट्स पर बार है, एक डिजिट पर बार है तो 89, दो डिजिट पर बार होता है तो 99, तीन डिजिट पर बार होता है तो 999, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 21/9 और रिड्यूस करेंगे अगर 3 से तो 7/3। हाओ क्या यही आया था आंसर, हाँ कि ना, जल्दी से बोलो, अरे बोलो ना, यही आया था, वेरी गुड। ये कॉल लेंगे और अच्छे से आपको खूब भालू हो जाएगा, ठीक है। एक और ले लेते हैं 5.1313, इस टाइप से पैटर्न चल रहा है, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या है, इसको बार के फॉर्म में लिखना है, तो 5.13 बार हाओ। अब पूरा नंबर लिखिए 513, माइनस जिस पर बार नहीं है वो लिखिए, 5 पर बार नहीं है तो 5 अपॉन में जितने डिजिट्स पर बार है डेसिमल के बाद, पहले वाला मत को इंक्लूड करना, ठीक है, क्योंकि उसको हमें वैसे भी यूज़ में नहीं लेना है, बाद वाली के लिए कर रहे हैं। तो दो पर है बार तो 99 हो, फिर नॉर्मल सिंपल करेंगे 513-5508/99, रिड्यूस हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो नहीं करिए, देख लें हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, तो आंसर हो गया हमारा यही। समझे कि नहीं समझे? समझोगे? एक और लेते हैं एग्जाम्पल, अब हम ले रहे हैं मतलब मारे थोड़ा सा सिंपल समझाने के लिए रहे हैं, 3.12222222, ठीक है, थोड़ा सा अलग ही है, अच्छे से देखिएगा ये वाले, समझ गए ना, डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटेड पैटर्न था इसमें, डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटेड पैटर्न था, तो हमने इस टाइप से कर लिया, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं और अच्छे से, 3.12 पे बार है, ठीक है, क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है।
तो अब इसमें वही पहले क्या स्टेप है, फर्स्ट स्टेप हो गया कि इस टाइप से लिखना है बार के फॉर्म में, फिर लिखने में पूरा नंबर 312 माइनस, क्या था अभी जिस पर बार नहीं है वो माइनस कर रहे थे ना, इसमें एक्चुअली पूरा डेसिमल के पहली वाला था, लेकिन इसमें एक रेट ऐसी है जो डेसिमल के बाद है उस पर बार नहीं है, तो वो पूरी वैल्यूज लिखी है, जैसे 301 दोनों में बार नहीं है तो 31, ठीक है, और पैटर्न में 13 मत लिख देना, 31 ही लिखना है हमें, ठीक है ना। और अपॉन में क्या आएगा, देखो कितने पर बार है डेसिमल के बाद, एक पर बार है तो 9, और यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद एक डेट थी उस पर बार है 9, डेसिमल के बाद दो डेट हैं दो पर बार है 99, डेसिमल के बाद दो डेट हैं लेकिन बार है केवल एक ही पे, तो जिस पर बार है उसके अकॉर्डिंग 9 आएगा उसके लिए, और जिस पर बार नहीं है जितनी डिजिट्स पर उनकी प्लेस पे 0 आएगा। क्या हुआ, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स पर बार है उनकी प्लेसेस पर उतने ही 9 आएंगे, और जितनी डिजिट्स पर बार नहीं है डेसिमल के बाद उतने ही 0 आएंगे, बस। अब उसको नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे, 2 - 1 - 31 - 3 - 28 / 90, हाउ भालू हो गया क्या, अरे मस्त मल्ला है करेंगे भी हम, समझ गए हो ना, दिक्कत तो नहीं है, बेसिक से तो अच्छा है, बेसिक तो थोड़ा काफ़ी लेंदी था, ये तो सिंपल है, है? आओ फिर और देख लेते हैं, देख लें मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है तो शेयर कर दो ना दोस्तों के साथ, क्यों नहीं कर रहे हो, है बिल्कुल तुम ले यार, बस आओ बताओ कुछ अच्छा से ले लें, हम नंबर ही कहते ना 17.0808, ठीक, उसको भी करना है तो पहले लिख लेते हैं इसको अच्छे से 17.08 बार, हो अरे बोलो ना, वेरी गुड, बस पूरा नंबर लिखो 17.08 माइनस जिस पर बार नहीं है वो लिखिए 17, और जितने पर बार है उतने 9 आएंगे, दो डेट पर बार है 99, अब ये इनको इंक्लूड तो करना नहीं है, अब 17 में बार नहीं है तो 00 मत लिख देना, क्योंकि हमें डेसिमल की ओनली बाद वाले देखना है कि उन पर किस पर बार है किस पर बार नहीं है, तो डेसिमल के बाद ऐसा कोई नंबर तो है नहीं है, डिजिट तो है नहीं है जिस पर बार नहीं हो तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे 8 - 7 - 1 - 10 - 1 - 9 - 6 - 199, का हो रहा होगा जो रिड्यूस कि नहीं हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, सही है तो आंसर आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया आ गया ना भैया, अरे भैया ठीक है, वेरी गुड, करोगे क्या एक करोगे, अरे बोलो ना, कर लो एक, कर लो लो भैया 23.02, ठीक है पॉज करके मार दियो उसको कमेंट बॉक्स में, ठीक है ट्राई करिए, पॉज करके आ रहा है तो नहीं आ रहा तो देख लेते हैं, आओ सबसे पहले अच्छे से लिख लो 23.024 बार, हो ठीक है बहुत बेहतरीन, पूरा नंबर लिख दो बिना देखे बिना सोचे समझे, माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, उस बार वाले को छोड़ के पूरा नंबर माइनस कर दो 2302, हो 4 पर बार था तो 4 नहीं लिया, 2 पर बार था 2 नहीं लिया, 13 पर बार था 13 नहीं लिया, 08 पर बार था 08 नहीं लिया, 3 पर बार था 3 नहीं लिया, ठीक है ना, तो उस बार को छोड़ दो पूरा नंबर लिख दो। अपॉन में क्या आएगा सर, कितने पर बार है, एक पर बार है तो 19, कितने पर बार नहीं है डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद 02 पे नहीं है, दो डेट पर बार नहीं है तो 20 आ जाएंगे, खूब सही, सॉल्व कर लेते हैं 4 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 3 - 10 - 7 - 2 - 2 - 0 - 2 - 900, इसको रिड्यूस कर लोगे कि हम कर दें 10361/450, ठीक है देख लेना, से आगे कट रहा हो तो काट दियो नहीं तो ठीक है, ये हमारा आंसर, ठीक है आगे समझ चमका, कैसे समझ में आया कि नहीं आया, पूरा कॉन्सेप्ट बस यही था, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, एक हम होमवर्क में दे रहे हैं आपको, एक दो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इससे बाहर और कुछ है नहीं रिपीटेड पैटर्न में, अब चाहे इतने रिपीट हो तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो अरेंज, कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर ऐसा भी हो ना एक 0.422 इस टाइप से, तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिएगा 0.42 बार, हो ठीक है समझे, तो बस 0 से घबराना नहीं है दोस्त, अपना पूरा नंबर लिख दो 42 माइनस जिस पर बार नहीं है 4 अकेला है अपॉन 9 2 के लिए और 4 के लिए 0, तो ये कितना हो जाएगा हमारा सर 42 - 4 - 38/90, 2 से रिड्यूस करिएगा अच्छे से तो 19/45,
हो चमक गो, चमक तो गए वैसे तुम्हें क्या लग रहा हो है, चमक गो ना, वेरी गुड। तो जीरो वाले में घबराना नहीं, ठीक है। अब कुछ होमवर्क में ले लो भाई, होमवर्क तो ज़रूरी है, गृह कार्य, घर के काम करो भैया, घर के काम ही क्लास के काम करो घर पे, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ वेरी गुड। पहला वाला देख लेते हैं एक। ठीक है, एक तो तीन, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन तीनों के आंसर कमेंट बॉक्स जरूर देंगे, अच्छा लगेगा मुझे है? आपको भी अच्छा लगेगा अगर इनको ट्राई करोगे तो, समझ जाएगा आपको आ गया है डेसिमल टू फ्रैक्शन करना, ठीक है ना। तो आई होप आपको आज की वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा, है ना। सीखा है तो बच्चा इसी बता देना, देखो झूठ तो कह नहीं रहे, नहीं आए तो नहीं, आए तो आए, आए तो फिर करना पड़ेगी तारीफ, तो है कर देना भी आया तो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना था, अभी आपको समझ में आया है डेफिनेटली आया होगा, और ऐसी वीडियो के लिए बने रहे डीपी क्लास साथ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्या आता है, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में बेस्ट रहें। थैंक यू, जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। आपके फ़ायदे के लिए होता है सब्सक्राइब, ये मत सोचा करो मेरे लिए, मेरे लिए तो केवल लाइक और कमेंट है। लाइक से मोटिवेशन मिलता है और कमेंट से मोटिवेशन मिलता है कि और कुछ करना चाहिए आपके लिए, ऐसे ही और मेहनत करें, कुछ और आपको अच्छा प्रोवाइड करें। इसलिए सब्सक्राइब से हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगा, आपको मिलेगा, क्या मिलेगा कि नई वीडियो आई, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो है, हो सकता है अगर आप सब्सक्राइब नहीं करें तो आप तक नहीं पहुँच पाएगी, बाई चांस पहुँच भी सकती है, लेकिन चांसेस हैं कि ना भी पहुँचे, लेकिन सब्सक्राइब कर रहे होंगे आप मेरे चैनल को या किसी भी चैनल को, तो उस चैनल की वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचती है, ठीक है ना। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, फ़ायदे में रहोगे, फिर कहोगे सर आपने बताया नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।